वहीं नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र भी सौंपा। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मिलने उनके घर गए और इसके बाद पीएम शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दिया। इसके बाद मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ नए गुजरने वाली लोकसभा रहेगी।